वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अमेरिका में जो ट्रक ड्राइवर्स हैं ना, वो कितने पैसे कमा रहे हैं और कैसे वो अपनी पूरी ट्रक ड्राइविंग की लाइफ जीते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। मेरे साथ है यहाँ पे, मेरा नाम रिंकू है, मैं बिलोंग करता हूँ इंडिया हरियाणा से और मेरे को यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 साल हो गए। ये जो है आपका जो ट्रक है, ये नया मॉडल है, 2023 है? ये 2023 मॉडल है, ये 860 ट्रक है। अच्छा, ये देखो वो वाला गड़ा, वो वाला 760 है। तो जैसे ये आपका ब्रांड न्यू ट्रक है 2023 का, ये कितने का आएगा अगर अभी नया ले तो? अगर अभी नया ले तो मार्केट के हिसाब से ये अपना दो के करीब पड़ता, मतलब 2 करोड़ इंडिया का, 2 लाख, 2 लाख, मतलब 2 लाख हो गया, 1.5 करोड़ के करीब हो गया इंडिया का, 1.5 करोड़ के करीब हो गया। तो पीछे वाला ये अलग से बाय करने पड़ता। अच्छा, ये कितने का पड़ता है? ये पहले 80 का था, अभी लाख एक लाख का हुआ है। मतलब लगा लो मोटा मोटा 2 से 2.5 करोड़ रुपए का पूरा ट्रक पड़ेगा आप लोगों को। तो ये है, अभी हम लोग अंदर चल के दिखाएंगे जो आजकल ब्रांड न्यू ट्रक आ रहे हैं वो किस तरीके से। तो इन्होंने भाई ने बताया यहाँ पे 2 तरीके के ट्रक चल रहे हैं। एक तो ये है जो ओपन में है, इसमें कोई भी कंटेनर वगैरह रख के जो भी सामान रखना है चला जाएगा। बट ये वाले जो ट्रक है ना सामने वाले, इसमें स्पेशल जो ठंडी चीजें रहनी है ना, जैसे फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह और भी मेडिकल फैसिलिटी वगैरह जो ठंडे में रहना है वो इसमें रहेगा। इसमें फ्रीजर भी बन जाता है। तो ये देखो, ये एक और आगे ट्रक वाले जिन्होंने ऊपर झालर लगाई हुई है, वो जो इंडिया के अंदर झालर लगती है। यहाँ पे दोस्त है तो ये देख लो यार, ये इन्होंने क्या सही मस्त ये यहाँ पे लगाए हुए हैं जो इंडिया के ट्रकों पे लगता है। तो बड़ा आपने अच्छा सजा रखा है एकदम, बाहर इंडिया और उसका अमेरिका का झंडा भी लगा रखा है। चलो इधर आके देख, इधर भी है, इधर भी है। हाँ। तो ये कह रहे साइड में भी लगाया हुआ है इंडिया और अमेरिका का झंडा, तो वो भी दिखाता हूँ। अरे यहाँ तो इन्होंने शिव जी भगवान की फोटो भी लगा रखी है। तो ये शिव जी भगवान की फोटो कहाँ से लाए? अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया ट्रक चलाते हुए? तकरीबन 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए हैं। अभी देखा मैं ट्रक बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। चलो थैंक यू दिखाने के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, थैंक यू जी। तो ये सुरेश कुमार जी थे अपने इंडिया से, इन्होंने काफी बढ़िया यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अब उन भाई का दिखाते हैं अंदर से ट्रक। भाई ये दिखा यार, भाई कितना ऊंचा है ये, ऐसा लग रहा है फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये है भाई का ट्रक अंदर से, और भाई यहाँ पे बैठ के चलाते हो। तो भाई कितने घंटे चलाते हो आप? ये 8 घंटे चलाते हैं। 8 घंटे के बाद जैसे ब्रेक होता, शिफ्ट होती है, उसके बाद फिर 1/2 घंटे का ब्रेक लेना होता। अच्छा, बाद फिर अपना 1/2 घंटे का ब्रेक पाके फिर दोबारा 2 घंटे ड्राइव। मतलब पहले 8 घंटे चलाओ, फिर ब्रेक कितने मिनट का बताया आपने? 1/2 घंटे का ब्रेक 8 घंटे के अंदर अंदर लेना होता। अच्छा, फिर उसके बाद 2 घंटे और चलाओगे, डेली 24 घंटे में से 10 घंटे आप ड्राइव कर सकते हो। तो अभी भाई ने न्यूयॉर्क से स्टार्ट किया था और जा रहे हैं कैलिफोर्निया। कितने दिन में पहुंच जाते हो न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया? 3 या 4 दिन लगते हैं। और ये कुछ मतलब लगा लो 4,500 किलोमीटर में है और 2,500 माइल में। हाँ, मतलब 2,500 माइल हो गए, 3200 कुछ माइल, तो फिर तो 5,000 किलोमीटर के करीब हो गया। कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क इतने में तो इंडिया आया। भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मतलब इंडिया जाके बंदा वापस भी आया। अच्छा भाई, ये थोड़ा सा बताओ जैसे ट्रक में क्या क्या है यहाँ पे, जैसे ब्रेक जो लगाते हो आप लोग, वो कई हाईवे पे लिखा हुआ होता है कि ये ब्रेक, वो इंजन ब्रेक ना दबाओ, तो वो कौन सी है? अच्छा, क्योंकि अगर आप लगाते हैं ना वहाँ पे ज्यादा शोर होता है। हाँ, बाहर की और ज्यादा शोर दिखेगा, अंदर नहीं पता लगता बंदे को। ये ग्रेड पे यूज करना होता है। ये लाल पीले का क्या है? ये अपना ट्रक पार्किंग होता है। अच्छा, ये ट्रक की ब्रेक है, इसको खींच देंगे। हाँ, ट्रेलर वाली है। अच्छा, ट्रेलर की अलग ब्रेक होती है। अच्छा, ये मेरे को नहीं पता था। ऑलमोस्ट 4 ब्रेक होते हैं, देखो एक ये अपनी सर्विस ब्रेक हो गई, एक ब्रेक हो गई, ठीक है, पैरों से हो गया ना, दूसरी, तीसरी ये ट्रेलर वाली है, ट्रेलर वाली डाउनहिल पे यूज करते हैं। अच्छा, तो ये इसको अब पार्क लगाने के लिए करते हैं ट्रैक्टर की। तो ये देख लो यार, 4 ब्रेक्स होती हैं, मतलब इतना बड़ा ट्रक है तो 4 ब्रेक, मतलब क्योंकि वेट भी ज्यादा होता ना। मतलब ये चलाते समय ये नहीं है कोई भी, पहले उसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कम से कम भी 7 से 8 मंथ लगातार। और कितने पैसे लगते हैं ट्रेनिंग वगैरह में, लाइसेंस लेने में? अगर आप लोग अब्रॉड में रहते हैं और अपने घर पैसे भेजते हैं तो आप लोग यूज कर सकते हैं पांडा रेमिट के थ्रू, है ना, आप लोग दुनिया में हर जगह पैसे भेज सकते हैं। और इनके ना 1.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं पांडा रेमिट के थ्रू, है ना, 10 मिलियन से ज्यादा है ना ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं। और पांडा रेमिट को यूज करना ना बहुत ही ज्यादा सेफ है।
और पांडा रेमिट की है ना बहुत ही लो ट्रांजेक्शन फीस है, और इसको फर्स्ट टाइम जब आप लोग यूज करेंगे ना तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और पांडा रेमिट का है ना जो एक्सचेंज रेट भी बहुत अच्छा है, और इनकी जो कस्टमर सर्विस है ना वो भी बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, मतलब जब पैसे ट्रांसफर करने में, तो आप इनकी कस्टमर सर्विस से हेल्प ले सकते हैं। और एक और जो मुझे अच्छी चीज लगती है वो है कि इनका जो स्पीड है, मतलब पैसे जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं ना तो कभी कभार होता है बहुत टाइम लग जाता है जो दूसरी एप्स होती हैं, बट पांडा रेमिट के थ्रू ऐसा नहीं है। इनकी जो फास्ट सर्विस होती है कि आप अपने घर पे बहुत जल्दी से इनके थ्रू पैसे भिजवा सकते हैं। और पांडा रेमिट है ना बहुत ही सेफ है यूज करने के लिए, क्योंकि इनके पास है ना सर्टिफाइड लाइसेंस है, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ETC कंट्री के लिए। तो मैंने लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, तो वहां जाके क्लिक करके आप लोग यूज कर सकते हैं सेफली पांडा रेमिट को। तो अलग है, वो तो एक मंथ में ही बना लेते हैं बंदे है। अच्छा, जैसे मैंने सुना है कि इससे, जैसे अमेरिका की एक मूवी देख रहा था, वो इसी तरीके से लगा के वो कहते हैं आगे है ना बेयर है बेयर, और वो पुलिस वालों को बेयर बोलते हैं। तो आप लोग ऐसे करते हैं जैसे बोल दिया भाई धीरे चलाइयो, आगे पुलिस वाला खड़ा हुआ है। ये अपने कह देते हैं भाई आगे मामा खड़ा है, उनको क्या पता मामा। बट आजकल तो ये अमेरिकन भी थोड़ा हिंदी सीख रहे हैं, उन्हें पता चलेगा मामा बना रहे हैं हमें। और ये आप लोगों का GPS भी कुछ अलग है ना शायद? GPS है ना, ये वाला GPS है ना, ये अगर हम इसमें कोई भी एड्रेस डालेंगे ना उसके हिसाब से ये ट्रक रूट पे लेके जाएगा। अभी मैं जब ड्राइव कर रहा हूँ ना अपनी वैन की, तो उसमें भी है ना मैं कभी कभार मैं ट्रक वाला सिलेक्ट करता हूँ। उसका रीजन ये है कि कभी कभार हाइट का पंगा हो जाता है, कभी कभार कोई ब्रिज होते हैं जिसमें लिखा होता है 8 फुट हाइट है, मेरी है वो 9 फुट की वैन, तो वो निकलेगी नहीं वहां से। और भाई ये आपका कितने फुट का है ये? ये अपना इसकी हाइट होती 13 फुट 6 इंच। 13 फुट 6 इंच। तो जैसे हम लोग न्यूयॉर्क से निकल रहे थे, वहाँ पे ज्यादातर देखा था 12 फुट से ऊपर नहीं था बहुत सारे रोड पे। ज्यादातर ये प्रॉब्लम है ना अपना न्यूजर्सी। हाँ, न्यूयॉर्क सनरूफ भी दे रखा है। ओहो, ये भाई का नया है सनरूफ, तो मैंने अभी देखा। और अच्छा, ये ट्रक आपका वोल्वो का है? वोल्वो का। तो अभी आप क्या लेके जा रहे हो इसमें पीछे? अभी इसमें अपना है तो वैसे तो ड्राई लोड है। और इसमें कितना पेट्रोल आ जाता है, डीजल, सॉरी कितना डीजल आ जाता है एक बार में? एक बार में 250 गैलन के टैंक होते हैं। 250? कई ट्रक उनके छोटे भी होते हैं, यानी एक बार अगर टंकी फुल करते तो 100 माइल 1500 माइल निकाल लेते। और ये मतलब जैसे अभी कितने का भरवाया आपने? $1000 से तो ऊपर का जाता होगा। हाँ, अगर रीफर भी डलवाए, इसमें 3 तरह के तेल डलते हैं ना, लैफ, रीफर, अपना डीजल, तीनों में अलग अलग से वो होता, तो 1100 प्लस का तेल, मतलब इंडिया का मोटा मोटा 1 लाख रुपए का एक बार में तेल डलवा लेते हो। यार बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है चला रहे। मतलब बंदा तो ये सोचेगा मेरी तो 1 लाख साल की सैलरी है, ये एक बार में पेट्रोल लेके चल रहा है बंदा। न्यूयॉर्क से लेके कैलिफोर्निया से ले ना, तो 4 से 3-4 लाख का तो तेल ही लग जाता है। 3-4 लाख रुपए का तो तेल लग गया। भाई का ये, भाई पीछे दिखा सकते हो आप? भाई देखो, बंदा ऊपर भी लेट सकता है यहाँ पे, और नीचे भी, और नीचे भी दो बंदे आराम से लेट सकते हैं यहाँ पे, लेट सकते हैं। और ये ऊपर का तो एक बंदा तो आराम से ऐसे सोएगा, दो बंदे भी फिट कर दो, मतलब 4 बंदे आराम से इसमें चल सकते हैं। ऐसे बनाई हुई है ना बहुत अच्छे। ये देखो, अगर ऊपर नहीं चढ़ सकता नहीं बंदा, किसी को नहीं चला जाए। ये एक बार लाइट जल जाएगी ऊपर की? भाई ऊपर की जल जाएगी, ये हाँ अब जल गई ना। अच्छा, ये सीढ़ियाँ बनाई हुई है भाई ऊपर जाने के लिए। अच्छा, ये मैंने पहली बार देखा, एक बार मैंने ट्रक देखा था बट उसमें सीढ़ियाँ नहीं देखी थी मैंने। और चढ़ के दिखाता हूँ आप लोगों को। यार चल भाई नोंकर, अब आप ही लेके निकलो मेरी वैन में, तो भाई के साथ जा रहा हूँ, कैलिफोर्निया मिलूंगा। ठीक है, देखो ये ऊपर का बेड है, यहाँ से इतना अच्छा स्पेस है, और ये यहाँ से है ना जो सनरूफ से बाहर का दिख रहा है, और ये यहाँ पे भी लगा हुआ है जो कि आप बाहर देख सकते हो। ये देखो, और ये ऐसे वापस लग जाता है, और एयर कंडीशनर, और यहाँ देखो लाइट भी लगी हुई है, यहाँ स्पीकर लगे हुए हैं गाने वगैरह सुनना है, और इधर स्टोरेज भी है, फ्रिज भी है। ये वाला फ्रिज है। अच्छा, इस साइड में अपने ये क्लोज़ेट है, अपना आराम से कपड़े कुपड़े जो मर्जी रखो। तो ये यहाँ पे स्पेस आ गया, आप अपने कपड़े वगैरह रख लो आराम से। और ये यहाँ पे फ्रिज दिखाना भाई, यहाँ पे अपना फ्रिज। और ये तो बहुत बड़ा फ्रिज है, इसका फ्रीजर भी है, और भाई ने खाना भी रखा हुआ है। तो ये देख लो यार, माइक्रोवेव भी है, खाना गरम कर लिया। अभी भाई लेके आए हैं पिज्जा, और अपना पिज्जा वीजा बाद में इसमें ही गरम करके खा लेंगे। तो ये हो गया फ्रिज, हो गया माइक्रोवेव, हो गया स्टोरेज, हो गया दो बेड, हो गए हैं। खाना बना भी लेते हो आप इसमें कभी कभार? अगर नहीं, खाना नहीं कभी बनाते। खाना नहीं आप? मैंने कभी खाना नहीं बनाया यहाँ पे। अच्छा, मैं बाहर ही खाता हूँ। तो यही है, मतलब आप यहाँ से जहाँ पे भी जा रहे हो ट्रक स्टॉप पे मोस्टली इंडियन खाना भी मिल जाता है, तो बनाने की भी इतनी कोई जरूरत नहीं है, सिरदर्दी नहीं है। और आपकी एज कितनी है भाई? मेरी 24 में। यार आपको काफी टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए? मैं 16
16 साल का था तब यहाँ पे आया। और आप इसको कभी ट्रक को कनाडा भी लेके गए हो आप कभी? कनाडा ट्रक से नहीं, वैसे मैं ड्राइव करके गया हूँ गाड़ी से। अच्छा, वैसे घूम के आए हो आप? उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, तकरीबन 16 लाख रुपए पर मंथ के कमाए यहाँ पे, मतलब इंडिया के 16 लाख, इंडिया के 16 लाख रुपए पर मंथ के कमाए। अभी जैसे काम स्लो हो रहा, अभी सबको पता लग रहा है काम स्लो है, अभी वही 10 पे आ रहे हैं। मतलब अभी देखो भाई बता रहे कि काम स्लो चल रहा है, और जो यहाँ पे फुल टाइम में चला रहे ना, 10 से 12 हजार डॉलर कमा लेते हैं, और ये काम स्लो में बोल रहे हो? स्लो में बोल रहे हैं, अभी काम बहुत स्लो है। और कितने दिन काम करते हैं? मैं तो बस 3 वीक काम करता हूँ। तो देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम मंदे में, 10 से 12, मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। जब काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा रहा, हमारे यहाँ डॉक्टर बैठे हुए। डॉक्टर भाई साहब आप बताओ, इंडिया में डॉक्टर्स इतना कमा रहे हैं अभी? कितना कमा लेते हैं इंडिया में डॉक्टर? कितना कमा लेते हैं जो नए स्टार्टिंग में जाते हैं बंदे? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए कमाते हैं ना महीने का? खर्चे कितने हैं? खर्चे वो तो डिपेंड करता है बंदे पे, मतलब जैसे अभी आप नॉर्मल खाना खुना खा रहे हो तो ये तो 1-1.5 लाख रुपए से ऊपर तो खाना जाएगा ही नहीं बंदे का। 2000 भी खर्चा निकाल दो मंथ का, मतलब 2000 डॉलर, मतलब वही हो गया इंडिया का, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा जाएगा नहीं। तो मतलब लगा लो अगर आप पूरा कर रहे हो, 14-15 लाख रुपए आपकी पॉकेट में जाएंगे हर महीने। मैं खुद सुन के हैरान हूँ, और भाई और मैं अभी डिसाइड कर रहे हैं भाई कब से टीम ज्वाइन करें आपकी। अभी कर लो था, याद ही तो लगा ट्रक। और ये यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स की कितनी जरूरत है अभी? अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, काफी जरूरत है। हाँ, क्योंकि बंदे है ना जो पुराने बंदे थे, अभी उनका ट्रक से मन भर गया, वो अब कहीं और काम में जा रहे हैं। उन्होंने पैसे छाप लिए, पैसे छाप के वो अपना काम अच्छे तरह से फिट कर गया ना, किसी ने स्टोर ले लिया, किसी ने कुछ पंप कर लिया। ये क्या बज रहा है? ये वो आइडल वाला है ना, जैसे अच्छा। ज्यादा टाइम तक रहेगा तो आइडल दे देगा, ये कई कंपनियों में देते हैं, ये ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। अच्छा, अभी अभी भाई ने बताया कि भाई ने ना अपना गाना भी यहाँ पे निकाला हुआ है, जो कि भाई यूट्यूब पे है ये गाना, तो अजुक वर्तन वाला नाम है इसका। अच्छा, तो आप इसमें हो इस वीडियो में? कॉपीराइट ना आ जाए तो इसलिए थोड़ा ज्यादा चलाएंगे नहीं, मस्ती मारेगा तो यही कर लेते हैं। मैं बैठ गया हूँ यहाँ पे जौन सी ड्राइवर सीट पे, और जो स्टेयरिंग है नो डाउट थोड़ा बड़ा है जो कि नॉर्मल जो कार्स होती है, और जो सीट है भाई बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। मुझे नहीं लगता कि आप थकते होंगे इस पे यार? नहीं नहीं, ये बहुत कंफर्टेबल है। देखो ना ये बटन आता ना, मैं बोल रहा था आपको, बैक साइकिलर का देखो, मसाज भी होती है। ओहो, तो भाई यहाँ चल रही है फुल मसाज पीछे, और यहाँ नीचे भी से भी हो जाती है मसाज, दोनों साइड से, मतलब ये तो, मतलब ये तो ये हो गया, आप तो लग्जरी लाइफ जी रहे हो, लोग जाते हैं मसाज लेने के लिए, आप बैठे बैठे ले रहे हो यहाँ पे, यहीं पे मिल रही है सीट पे। तो देख लो यार, और ये बट सीट की कीमत महंगी सीट है ना ये, देखा अभी कितना प्राइस था अंदर, 1-1 लाख रुपए की सीट है, मतलब हद होगी यार, 1-1 लाख रुपए की सीट पे बैठ के आप ट्रक चला रहे हो, और यहाँ से कुछ इस तरीके का नजारा आता है। ये देख लो भी सामने सारे ट्रक है। अच्छा, ये आगे का बोनट नहीं दिखता इसमें? आइडिया रहता होगा आपको? नहीं, आइडिया नहीं रहता, ये सीट को आप अप करो ना ये दिखेगा। अच्छा, तब दिखेगा। अच्छा, ये जो निकले हुए हैं मिरर, ये बिल्कुल एंड में होंगे ना? ये बिल्कुल एंड में है। अभी देखो उतरने के लिए भी ना इसमें हैंडल इधर इधर नहीं होता, ये साइड में दिया हुआ है, जैसे ये तो ऐसे होता है जैसे गेम GTA गेम वगैरह में उन्होंने वो लगा रखा होता है कि ऐसे रेस बढ़ गई और ऐसे बंद, तो इसको हम लोग ऐसे करके अब पीछे करेंगे तब ये दरवाजा खुलेगा। अजीब ही सिस्टम कर रखा है। तो यहाँ से देखो यार, अब नीचे उतरने का, अगर यहाँ से गिर गए ना तो बहुत बुरी तरीके से चोट लगेगी। अच्छा, तो भाई यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे ऐसे मारते हैं ना तो आवाज से पता चल जाता है, हथौड़ी रखते हैं, हथौड़ी से उससे पता लग जाता है, तो जैसे हम हाथ मारेंगे सारे टायर एक से लगते हैं ना। तो भाई को इतना एक्सपीरियंस है, भाई ने कहा एक हथौड़ा सा रखा हुआ है, उसे मारते तो एक साउंड आती है, जो पर्टिकुलर साउंड है जो भाई को पता है एक्सपीरियंस होने से, तब पता चलता है कि ये टायर सही है या नहीं है। अगर टायर सही नहीं है आपको लगेगा डिफरेंट है तो क्या करते हो? अगर वो चेंज करा देते हैं उसी टाइम ही। हाँ, जैसे ये इस साइड में वर्कशॉप ना, हाँ, वहाँ पे जाके इसको हम चेंज करा देंगे टायर को कोई अगर, क्योंकि स्पीड में ज्यादा होते हैं ट्रक। अच्छा, नॉर्मल स्पीड से नहीं चलते। ठीक है, अगर ज्यादा स्पीड होगी तो फिर टायर फट के चोट भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, उससे एक्सीडेंट का खतरा रहता है। तो इस तरीके के 18 टायर हैं। 18 टायर है, तो अपना रीफर होता है ना, ये उस साइड से स्टार्ट होता है दूसरी साइड से। अच्छा, बता रहे हैं ये वाला जो ट्रक है इस पे गाड़ियां लेके जाते हैं, कि ऋतिक रोशन की मूवी में भी दिखाया था वो जिंदगी कुछ करके गाना आता है ना काइट्स मूवी में, तो ये लोग भी इतना पैसा कमाते हैं? सेम इनका पैसा डबल होता है। डबल होता है इनका? क्यों?
ये तकरीबन ये गाड़ी के हिसाब से लेते हैं ना। अच्छा, गाड़ी का 1500 से 2000 चार्ज लेते हैं। अच्छा, अभी भाई बता रहे हैं जैसे ये वाली जो है ना, इसमें जितना पैसा कमाते हैं ना, इससे डबल पैसा ये लोग इसमें कमा रहे हैं पर गाड़ी के हिसाब से ये लोग लेते हैं। और इसमें कितनी गाड़ी आ जाती है? 8 से 10 गाड़ियाँ आ जाती है इसके अंदर। जो टैंकर वाले उनका भी थोड़ा अलग पैसे होते हैं, उनके ज्यादा बनते हैं। अच्छा, तो टैंकर मतलब जो जितना रिस्की सामान लेके जा रहा है उतने ही पैसे। अच्छा, तो ये सिस्टम है। तो ये था अपने भाई के साथ यहाँ पे एक ट्रक का वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अभी भी कोई क्वेश्चन रह गए है ना तो आप लोग पूछ लेना, क्योंकि मैं भाई से दोबारा मिलने वाला हूँ। भाई रहते हैं न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क में मेरे लगते रहते हैं चक्कर। तो जब भी मैं जाऊंगा तो भाई के साथ एक और वीडियो आ जाएगी। ओके गाइस, तो ये थी वीडियो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और पांडा रेमिट की जो ऐप है ना, उसे डाउनलोड करना मत भूलना। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप लोगों को कभी भी कहीं पे भी पैसे भेजने हैं तो आप लोग पांडा रेमिट यूज कर सकते हैं, और बहुत ही ईजी है यूज करना पांडा रेमिट। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय, टेक केयर।